तो फेल गेम फैमिली, भले नाइट ऑफ चैंपियंस में जे और जिमी उसो को टाइटल मैच रोमन ने नहीं दिया, ट्रिपल एच ने नहीं दिया, पर आपका भाई अरमान भी तो सस्ता डब्ल्यूडब्ल्यू चला रहा है ना, तो मैं इन दोनों को मौका देना चाहता हूँ। जे और जिमी उसो को आज मैं चांस दे रहा हूँ कि ये दोनों आज टीम अप करे और रोमन और सोलो और केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की टीम के साथ फाइट करे टैग टीम टाइटल मैच में। तो भले ही रियल लाइफ में ना सही, लेकिन गेम में कम से कम ये दोनों टाइटल जीत सके। तो देखो भाई, मैंने इन दोनों को मौका दे दिया है, लेकिन अब इसके आगे ये लोग क्या करते हैं ये तो अभी कुछ देर में पता चल ही जाएगा। और अगर सस्ते डब्ल्यूडब्ल्यू में उसोस ने टाइटल नहीं जीता, तब तो अच्छा ही कि रोमन ने इन दोनों को टाइटल मैच नहीं दिया है। और इस ट्रिपल थ्रेट टोर्नाडो टैग टीम चैंपियनशिप मैच में एलिमिनेशन तो है ही, इसके साथ साथ फॉल्स काउंट एनीवेयर भी है, यानी कि रिंग के बाहर भी पिनफॉल या सबमिशन हो सकता है, ध्यान रखना। और जब तक ये गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है, फेल गेम फैमिली फटाक से वीडियो को लाइक करो, और भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बस 4 लाख होने ही वाला है और इस महीने 4 लाख कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग ने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो आज भाई भाई भी आपस में लड़ेंगे टाइटल का जो सवाल है। सोलो मारा, ओके हेलुआ किक, पहला फिनिशर सैमी ज़ेन ने लगाया और रोमन फिनिशर खा के नीचे निकल लिए। रोमन भी कम चलाक नहीं भाई, फिनिशर खा के पिनफॉल होता था, लेकिन इस बार फॉल्स काउंट एनीवेयर है तो रोमन नीचे भी सेफ नहीं है, 1 तक नहीं हुआ क्योंकि रेफरी थोड़ा लेट से पहुंची थी। रोमन ने 1 नहीं होने दिया भाई साहब, एक फिनिशर पड़ा था रोमन को, लेकिन कोई बात नहीं। जे और सोलो बिजी है आपस में, ऐसे भी इन दोनों को बैकलैश में भी लग रहा था ना रियल लाइफ में कि मैच होने वाला है, और यहां पर इसीलिए देख रहे हो ना, जिमी और रोमन नहीं लड़े लेकिन जे और सोलो जरूर लड़ गए। सैमी और केविन ओवेंस के लिए ना इस मैच में टाइटल बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, ये दोनों रियल लाइफ में अपना टाइटल कैसे बचाएंगे, क्योंकि रोमन और सोलो बहुत ही दोनों खतरनाक है। नहीं, सोलो को मैं उतना डेंजरस नहीं समझता था, लेकिन जब से अभी थोड़ा हाल फिलहाल से देख रहा हूँ ना, सोलो भी भाई बड़ा खतरा दिख रहा है। देख लो यहाँ पर भी लगा दी भाई समोन स्पाइक, केविन ओवेंस भी पड़े हुए हैं, और एलिमिनेशन मैच है तो मुझे नहीं लगता कि केविन ओवेंस बचाएंगे सैमी ज़ेन को। ऐसे बचाना तो चाहिए, लेकिन देख रहे हो ना जिमी भी जेउसो को कहां बचा रहा है। एलिमिनेशन मैच में ये लोग भूल जाते हैं कि पार्टनर को भी बचाना पड़ता है। एआई थोड़ा सा डम है। एक और फिनिशर सैमी ज़ेन का, टाटा वक्त से पहले हो सकता है रेजिलेंस गया, गिलिटीन से सैमी का रेजिलेंस जा चुका है, और कुछ ज्यादा ही जल्दी सैमी ज़ेन एलिमिनेट होने वाले, करंट चैंपियन इतनी जल्दी एलिमिनेट। एक और फिनिशर, खेल खत्म है सैमी का। केविन ओवेंस पता नहीं क्या भजिया चल रहा है, केविन क्या करा भाई। सोलो को बस देख लो, जिसको देख रहा है समोन स्पाइक दिया जा रहा, फुल हेल्थ है लड़के की, सबसे छोटा है एज में अगर देखा जाए इस पूरे रिंग में। रेफरी की एज का मुझे पता नहीं, और ऐसे लेडीज है तो एज पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर लड़कों में देखा जाए तो सोलो सबसे छोटा है और सबसे खतरनाक खेल रहा है। सैमी ऐसा है ना कि जल्दी रिकवर कर जाओ वरना टाइटल को गुड बाय बोल देना। एक आदमी टीम का निकल गया वो भी इतना जल्दी, तो जीतना फिर इम्पॉसिबल ही है। और किसी भी टीम का 2 आदमी बच गया लास्ट में, तब तो आप लोग जानती होंगे क्या होगा। बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि 2-on-1 वो भी टोर्नाडो में कोई जीत पाया है। रोमन जीते थे शायद, और शायद सीना और सेथ, ये लोग कोई जीते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर होता है, ये लोग भी जल्दी जीत नहीं पाते। ये देख लो सोलो भाई कंटिन्यूअसली फुल हेल्थ है, सोलो और रोमन दोनों की, भाई साहब ये लोग पक्का जीत रहे नाइट ऑफ चैंपियंस में, मैं बता रहा हूँ। गेम में भी इनकी हरकतें कुछ अजीब अजीब सी दिख रही है। सोलो और रोमन की हेल्थ फुल कैसे है, ये लोग दोनों अभी अभी आ रहे हैं क्या मैच में, और सबसे ज्यादा मारा भी सबको इन्हीं दोनों ने। सैमी ज़ेन क्या लगता है, फर्स्ट एलिमिनेशन जरूरत से ज्यादा जल्दी हो गया भाई, चैंपियन को टाटा बोल दो। और ये देख लो रोमन को सुसाइड डाइव, वो तो अच्छा हुआ रोमन थोड़ा सा कूद गए, दोनों की इतू से भी हेल जाएगी। जिमी रिवर्स कर दे यार, छोटा भाई है, जिमी समझ गया कि बिना वेपन के नहीं टिके भाई सोलो से। केंडो स्टिक लेकर आ रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं उसके बाद भी टिके या नहीं। रोमन ने एक एलिमिनेशन करा ना, आई थिंक रोमन ही ने किया था। सैमी ज़ेन वक्त से पहले निकल गया भाई, इतना भी जल्दी जाना नहीं चाहिए था। रोमन के ऊपर उसोस डबल टीम अप कर रहे हैं, रियल लाइफ की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। सोलो बचाने जा अपने ट्राइबल चीफ को, और इधर स्टनर पड़ गया, सोलो क्या बचाएगा, सोलो खुद स्टनर लग गया है, लेकिन एक फिनिशर में ऑब्वियसली ये तो नहीं जाने वाला है, चांस ही नहीं। और रोमन को भी डबल टीम अप कोई कर नहीं सकता, लगा दिया उधर नीचे सुपरमैन पंच, और इधर लगता है केविन ओवेंस का भी खेल खत्म है। रोमन और सोलो फुल ऑन डोमिनेटिंग मोड में भाई, रेजिलेंस गई केविन ओवेंस की। चलो केओ को भी टाटा बोली दो, लगता है चैंपियंस ही पहले एलिमिनेट होने वाले भाई, ये चैंपियंस थे स्टार्टिंग में एलिमिनेट होने वाले, लास्ट तक तो रहते, ऐसा लग रहा है कि बस केविन ओवेंस एलिमिनेट हो जाए ना, उसके बाद तो चारों भाइयों की जंग है, मतलब दो दो करके। मैं तो बोलता हूँ ये मैच रियल में होना चाहिए, जे और जिमी उसो वर्सेस रोमन और सोलो, फिर देखना सोलो किसका साथ देगा। रोमन का पिनफॉल कर रहा है जिमी, इतनी आसानी से होगा, कम से कम 2-3 फिनिशर तो टिकाने ही पड़ेंगे। सोलो आ रहा है अपने ट्राइबल चीफ को बचाने आ रहा है, लेकिन रुक क्यों जा रहा है, अच्छा रोमन पीट रहे ना इसलिए, ठीक है। पिनफॉल तो नहीं होना चाहिए इतनी जल्दी, जिमी के पास रेजिलेंसी भी है,
और केविन ओवेंस आप तब के मेहमान है, बिना फिनिशर के भी जा सकते हैं। केविन ओवेंस कुछ तो करो, लगे तो ऐसा कि चैंपियन हो। सोलो का स्टाइल देख रहे हो, सोलो की हेल्थ देख रहे हो, सबसे ज्यादा है जी उसो और सोलो की हेल्थ सबसे ज्यादा है, और जी के पास तीन तीन फिनिशर है। जी एक आध फिनिशर लगा दे भाई, केविन ओवेंस एलिमिनेट हो जाएंगे। आई थिंक ये फिनिशर ही के लिए जा रहा है। अरे सोलो रोक मत, जाने देता ना भाई। और नीचे रोमन और जिमी उसे पता नहीं एक दूसरे को पिनफॉल करवा क्यों रहे। रेफरी आते आते पिनफॉल किक आउट हो जा रहा है। रोमन एटलीस्ट फिनिशर नहीं तो कम से कम सिग्नेचर लगाओ, तब शायद थोड़े चांसेस हैं। केविन ओवेंस को बहुत ही ज्यादा संभल के खेलना होगा, एक छोटी सी गलती और टाटा, बस इसको गलती ही बोलते हैं। और नीचे जिमी उसे भी पिटा रहा है। जी उसे जल्दी केविन ओवेंस को एलिमिनेट करो और 2-on-2 मैच करवा लो, क्योंकि अब जिमी पिटेगा अगर ये लगा उसको स्प्लैश क्यों हो गया। चलो भाई चैंपियंस एलिमिनेट है, कोई चांस ही नहीं है। चैंपियन गए, फर्स्ट टू एलिमिनेशन चैंपियंस का हुआ है। ये नाइट ऑफ चैंपियंस है कि नाइट ऑफ कंटेंडर्स है, समझ में नहीं आ रहा है। दोनों चैंपियन निकल गए और दोनों चैलेंजर बचे हुए हैं। बहुत अच्छा, भाइयों की जंग हो रही है, कौन जीत के जाएगा। आराम से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली रोमन और सोलो ही जीतेंगे। ओके, इतनी आसानी से जिमी भी हार नहीं मानेगा, छोटा भाई है ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि हरा देगा सोलो। सोलो अकेले भी बच जाए ना, जिस हिसाब की सोलो ने आज परफॉर्मेंस दिखाई है, मुझे लगता है ये 2-on-1 कर सकता है। ये वर्दी अपोनेंट है जी, उसे टैप आउट मत करना, रेजिलेंस है। गिलिटीन लगा मानता हूं, लेकिन टैप आउट नहीं करना इतनी जल्दी, रेजिलेंस भी यूज नहीं कर रहा। वाह जे, पूरा बदला लेगा लगता है रोमन से। रोमन ने जो अभी हाल फिलहाल में इतना जलील किया है ना, और शुरू से करते आए, सबका बदला लेगा जे। चलो अच्छा, ये चारों रिंग में रहे, जे अंदर चला जा, रोमन आ जाएंगे बाहर, और रोमन कूदने ही वाले हैं। अब ये पिटेगा जिमी उस कॉर्नर में, 2-on-1 होने वाला है। जे को बचाना भाई, जल्दी आ जा। केविन ओवेंस पता नहीं मैच को एंजॉय कर रहे हैं। केविन ओवेंस को लग रहा है भाई अपन चैंपियन थे, कुछ ज्यादा ही जल्दी निकल गए। अच्छा केविन ओवेंस अटक गए, अब निकल गए। दो स्टील स्टेप्स के बीच में केविन ओवेंस अटक गए, बोल रहे भाई मेरे को जाने दो, मैं हार गया हूं। और ये जिमी उसो का टाटा। चलो भाई रेजिलेंस तो गई कम से कम, रेफरी देख लो, आई थिंक ये रेजिलेंस खत्म ही है, रेजिलेंस गई। चलो जिमी उसो को तो काम कर ही दिया सोलो ने, एक और सिग्नेचर भी लग गया, या लो ब्लू भी है सोलो के पास, वो भी लगा सकता है। तो जिमी भी अब कभी भी एलिमिनेट होगा, आई थिंक जे ही बचेगा लास्ट में। ओके सुपर किक रोमन कर, लेकिन रेजिलेंस भी जाएगा नहीं, लग रहा नहीं मेरे को, बल्कि और सिग्नेचर आ गया रोमन के पास, रेजिलेंस तो गया नहीं। सोलो को भी लगता है जिमी ने फिनिशर लगाया है, सोलो ने किक आउट कर दिया, लो ब्लो नहीं है सोलो के पास। सोलो एक बार लो ब्लो लगा ना, एक बार लगाया मजा आएगा। जिसके पास भी लो ब्लो रहता है, तो मैं चाहता हूं कम से कम एक बार लगाए। रोमन की रेजिलेंस चली गई, क्या जे एलिमिनेट करेगा ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को। अगर ट्राइबल चीफ को एलिमिनेट कर दिया तब जीतने के चांसेस हो जाएंगे भाई। 2-on-1 झेलना मुश्किल है किसी के लिए भी, और सोलो का पर झेल सकता है सोलो, सोलो बचा ले ट्राइबल चीफ को। रोमन और फिनिशर ही लगाएंगे रोमन, जे रेजिलेंस है देख लेना भाई। सोलो क्या करने लगा, पिनफॉल करने का, ओके पिनफॉल भी कर रहा है जे, तो किक आउट कर देगा। चलो रेजिलेंस गई, जे रेजिलेंस भाई, रेजिलेंस नाम की एक चीज थी, यूज करना था, क्या कर दिया, जे एलिमिनेट हो गया। अब तो जिमी का कुछ नहीं हो सकता भाई, इसके पास तो रेजिलेंस भी नहीं है। ट्राइबल चीफ भी एलिमिनेट नहीं हुए इस मैच में। जे थोड़ा सा समझदारी से काम करता, चेयर लेके नहीं आता स्पीयर वाले के सामने, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। रोमन फिर स्पीयर ही देने के चक्कर में, चलो खेल खत्म, लेकिन सोलो की वजह से ना पिनफॉल ब्रेक हो गया। अच्छा ये लगता है जिमी उसको मार के टॉर्चर करना चाहता है भाई। ठीक है सोलो ये सब कर ले, लेकिन इसकी वजह से मैच मत हार जाना, क्योंकि रोमन का रेजिलेंस गया हुआ है ना, तो रोमन भी कभी भी एलिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन लगता नहीं कि होंगे। भाई यार ये रोमन और सोलो नहीं हारने वाले मैच, इसमें तो नहीं हारने वाले। रियल लाइफ का पता नहीं मुझे, रियल लाइफ का आप लोग कमेंट करके बताओ, लेकिन यहाँ तो नहीं हारने वाले, ऐसा नहीं लग रहा है। मैच में जीतना ना जिमी के लिए अब लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि सामने एक रोमन ऐसे जो अकेले 1v3 कर चुके हैं। इवोल्यूशन वाली वीडियो में देख लेना, और कितनी बार 1v2 किया, सबसे ज्यादा ओवरऑल है रोमन का 99, और ऊपर से सोलो जो कि लास्ट टाइम अभी स्ट्रीम में भी बहुत अच्छा खेला था सोलो ने, और यहां पर भी अच्छा खेल रहा है, तो इम्पॉसिबल है भाई। ये देख ले भाई, जाते जाते इसको भी घर ले जाना, या चारों भाई साथ ही में घर जाना, क्या दिक्कत है, जाना तो आई थिंक एक ही जगह होगा, आसपास ही रहते होंगे। जे रुक जा, 2 मिनट रुक जा, बस खेल खत्म ही है। सोलो इतना मगन हो गया है ना कि रोमन को भी मारने लगा है। सोलो बस खत्म खेल, अब तो कोई लगता है चांस है कोई किक आउट करने का, इम्पॉसिबल। यहां पर भी नहीं जीते, गेम के अंदर भी जे और जिमी उसो नहीं जीते, इन दोनों को टाइटल मैच दिया था, हार गए। Solo
तो कुल मिला के आज इस मैच से यही साबित हो गया कि गेम के अंदर भी ना जे और जिमी उसको की किस्मत अच्छी नहीं चल रही है। और नाइट ऑफ चैंपियंस में क्या होगा ये तो हम लोग देख ही लेंगे, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है रोमन और सोलो सही में चैंपियनशिप जीत पाएंगे ये यूनिफाइड टैग टीम टाइटल्स? कमेंट में बताना और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।